तो दोस्तों, आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पूरा एक साल कंप्लीट हो चुका है। इन एक सालों में बॉलीवुड की कई बातें सामने आई कि किस तरीके से एक आउटसाइडर से मूवी छीनकर किसी बड़े स्टार किड्स को दे दी जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 हिट मूवीज जो सुशांत से छीनी गई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 5, आशिकी 2। दोस्तों, आशिकी 2 2013 में आई एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म का म्यूजिक भी काफ़ी हिट रहा था। दोस्तों, आशिकी 2 फिल्म के लिए सुशांत ने ऑडिशन भी दिया था और वो इस फिल्म के लिए सेलेक्ट भी हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत को बाहर निकाल दिया था और सुशांत की जगह एक स्टार किड्स आदित्य रॉय कपूर को कास्ट कर लिया गया था। नंबर 4, बेफिक्रे। दोस्तों, ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यशराज बैनर ने। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को इस मूवी की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। सुशांत ने फिल्म के डायरेक्टर को इस फिल्म की स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज लाने के लिए बोला, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने इस मूवी की स्क्रिप्ट चेंज करने की बजाय सुशांत सिंह राजपूत को इस मूवी से बाहर निकाल दिया और सुशांत की जगह रणवीर सिंह को कास्ट कर लिया गया। बाद में सुशांत की बात बिल्कुल सही साबित हुई, बेफिक्रे फ्लॉप मूवी साबित हुई। नंबर 3, हाफ गर्लफ्रेंड। दोस्तों, ये 2017 में रिलीज हुई थी और इस मूवी के लिए सुशांत कन्फर्म हो चुके थे और इसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली थी, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते ये मूवी भी सुशांत सिंह राजपूत के हाथों से निकल गई। नंबर 2, सड़क 2। दोस्तों, ये मूवी के लिए मुकेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत को ही कास्ट किया था, लेकिन बाद में सुशांत को बिना किसी वजह के इस मूवी से बाहर निकाल दिया और फिर से सुशांत की जगह आदित्य रॉय कपूर को इस मूवी में साइन कर लिया गया। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सड़क 2 को कितना गंदा तरीके से फ्लॉप किया गया था। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा नापसंद की जाने वाली मूवी बन चुकी है, जिसको YouTube पर 13 मिलियन लोगों ने डिसलाइक किया था और सच में इस मूवी को सड़क पर ही ला दिया गया था। नंबर 1, सारे जहाँ से अच्छा। दोस्तों, इस मूवी के लिए सुशांत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर ने सुशांत सिंह राजपूत को बाहर निकाल दिया था क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर किसी बड़े स्टार को लेना चाहते थे। फिल्म के डायरेक्टर ने सलमान, आमिर, शाहरुख तीनों से बात करी, लेकिन तीनों ने ये मूवी करने के लिए मना कर दिया था और बाद में इस फिल्म को भी बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी सुशांत सिंह राजपूत की 5 ऐसी फिल्में जिसमें वो लगभग कन्फर्म हो चुके थे, लेकिन बाद में बिना किसी रीज़न के उनको इन सभी फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया था। अगर सुशांत इन फिल्मों में नज़र आते तो ये फिल्में सुपर हिट भी हो सकती थी। दोस्तों, बॉलीवुड में नेपोटिज्म के चलते भी सुशांत को इन सभी फिल्मों से बाहर निकाला गया था। अब आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे अभी के भी सब्सक्राइब करें।